How to fix Canara e-passbook customer ID cannot be empty problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, केनरा बैंक के जो ई पासबुक एप्लीकेशन है, तो दोस्तों जब हम उसमें रजिस्टर्ड करने जाते हैं तो दोस्तों हमें कुछ इस तरीके का एरर मैसेज दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये जो मैसेज है दोस्तों क्या बता रहा है और प्रॉब्लम जो है इसका कैसे सॉल्व होगा, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, जो भी सॉल्यूशन है उसको फॉलो करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मेन जो बात है वो है इस एरर का रीज़न, किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको इस वीडियो पे अच्छे तरीके से बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। और दोस्तों सारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है केनरा ई पासबुक कस्टमर आईडी कैन नॉट बी एम्प्टी। तो जब भी दोस्तों आप जो है यहाँ पर केनरा ई पासबुक फिल करते हैं तो वहाँ पे चाहिए होता है कस्टमर आईडी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ आप अपने मोबाइल नंबर ही भरते जा रहे हैं, तो मोबाइल नंबर भरने से क्या होगा, आपका कस्टमर आईडी भी चाहिए होगा। सिर्फ मोबाइल नंबर से काम नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है, कस्टमर आईडी चाहिए। तो वही कस्टमर आईडी के वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना कस्टमर आईडी दे देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी दे देना है और कस्टमर आईडी देने के बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करते ही आपका नेक्स्ट प्रोसेस ओपन हो जाएगा, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कंटिन्यू करके जाइए और अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर पाओगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम का दोस्तों यही है सॉल्यूशन, आपको अपना कस्टमर आईडी वो देना होगा बैंक का, ठीक है। कस्टमर आईडी होते हैं बैंक पे आपके जो यहाँ पे पासबुक है केनरा बैंक का, तो उस पासबुक में जाके देखिए दोस्तों, आपको कस्टमर आईडी मिलेगा, ठीक है। कस्टमर आईडी मिलेगा उस बुक के अंदर पे पास बैंक पासबुक में, तो उसी कस्टमर आईडी को ऐड करके आपको मोबाइल नंबर करना है, एंटर करना है रजिस्टर्ड वाला, उसके बाद एंटर कर देना है, प्रोसीड कर देना है, ठीक है। तो काम बन जाएगा। तो बस दोस्तों यही था इसका सॉल्यूशन। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।